हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं आरजीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के पार्ट वन को डिस्कस करेंगे हम लोग। आरजीएस के एमसीक्यूज में बेसिकली हम माइनर एक्ट्स को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेंट कंट्रोल से आ गया है। An agreement for increase of rent in excess of dash shall be void to the extent. क्या लगता है आपको कितना परसेंट आप इंक्रीज कर सकते हैं रेंट जो कि एग्रीमेंट को void ना करे? क्या वो 3% है, 5% देखने को मिलेगा आपको, 10% है या 12%? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को। तो जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5% पर एनम का इंटरेस्ट, जो आपको पर 5% पर एनम के हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हैं रेंट पे, उससे ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं। तो अगर आप पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में कितना इंप्रीजमेंट मिल सकता है? तो क्या लगता है आपको, क्या वो 3 साल होगा, 5 साल देखने को मिलेगा, 7 साल या 10 साल? क्या लगता है आप लोग पनिशमेंट? पॉक्सो एक्ट की बात करें तो यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस के लिए अगर आप देखेंगे तो उस केस में कितनी पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगी? तो इनिशियली आपको फर्स्ट कन्विक्शन पे 5 साल तक मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। अगर लेकिन सेकेंड टाइम कन्विक्शन होता है तो उस केस में आपका 7 साल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सेकेंड टाइम की बात करें, ये भी याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट आपके लिए आस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रीमाइसेस अंडर द राजस्थान रेंट कंट्रोल 2001 डज नॉट इंक्लूड मींस, क्या इंक्लूड नहीं होता है वो बताना आप लोगों को। राजस्थान रेंट कंट्रोल में प्रीमाइसेस वर्ड में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा वो बताना है। क्या लगता है आपको, क्या वो गार्डन की बात करते हैं, ग्राउंड की बात करते हैं, या फर्नीचर जो ऑनर ने दिया होता है, या आप फार्म बिल्डिंग की बात कर रहे हो? क्या लगता है आप लोगों के हिसाब से? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में आपको क्या देखने को नहीं मिलता है? डज नॉट इंक्लूड, तो ऐसी चीजों में आप देखते हो तो गार्डन, बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, जो बिल्डिंग से अटैच होते हैं। इसके बाद फर्नीचर जो ऑनर देता है वो भी प्रीमाइसेस का पार्ट होता है, और आपको फार्म बिल्डिंग देखने को मिलेगा जो कि आपका प्रीमाइसेस का पार्ट नहीं है। तो आंसर आपका थर्ड का डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, अंडर डीवी एक्ट 2005 देयर शैल लाई एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट इन सॉल्व्ड ऑन द एग्रीड पार्ट पर्सन और द रिस्पॉन्डेंट एज द केस मे बी विच एवर इज लेटर। क्या लगता है आप लोगों को, जो अपील लाई करती है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट किसको अपील लाई करती है? कोर्ट ऑफ सेशन को। तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में आप अपील कितने दिन में फाइल कर सकते हैं, कितने दिन का टाइम आपके हिसाब से लगता है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम देख रहे हैं, क्या वो 15 दिन का टाइम देखने को मिलेगा आपको, 30 दिन का, 60 दिन का या 90 दिन का? क्या लगता है आप लोगों को आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो जब भी हम अपील की बात करते हैं तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील जाती है कोर्ट ऑफ सेशन में, वो आप 30 दिन के अंदर क्या करते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर रहा, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो एक्ट, क्या लगता है आपको, एग्रावेटेड सेक्सुअल ऑफेंस की बात, असॉल्ट की बात करें तो वो किस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा डेफिनेशन पार्ट? क्या लगता है आप लोगों को, क्या वो सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है या सेक्शन 10 की बात करते हैं? फिफ्थ का क्या लगता है आपको ऑप्शन, क्या वो सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 या सेक्शन 10? तो जब भी हम बात करते हैं एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की तो वो आपको सेक्शन 9 में देखने को मिल जाएगा, और ये तो आपकी डेफिनेशन है, डिफाइन किया हुआ है, और पनिशमेंट आपको सेक्शन 10 में मिलती है, पनिशमेंट का प्रोविजन आपको सेक्शन 10 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग, राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन इन सर्टेन केसेस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में आपको इमीडिएट पोजीशन की बात करता है वो, क्या सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है या सेक्शन 12 देखने को मिल जाएगा आपको? क्या लगता है आपको, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में
इमीडिएट पोजीशन के रिकवरी के लिए आप किस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, राइट? लैंडलॉर्ड के पास क्या वो सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है, या सेक्शन 12 देखने को मिलेगा आपको? तो ऐसे केस में आपको सेक्शन 10 देखने को मिल जाएगा। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ अ रेंट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। अनलेस ही इज अ मेंबर ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज हैविंग कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में कि आप अपॉइंट हो सकते हैं क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर रेंट ट्रिब्यूनल के। तो क्या लगता है आपको? तो हम देखते हैं ऐसे में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बनते हैं उनके पास 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर दैट द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस सो वॉरेंट एंड इफ आइदर पार्टी टू द प्रोसीडिंग सो डिजायर मे बाई कंडक्ट द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन कैमरा। क्या लगता है आपको कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स आपको किस सेक्शन में देखने को मिल जाएगा? क्या वो सेक्शन 15 है, 16 है, 17 है या 18? सारे क्वेश्चंस आपको माइनर एक्ट से देखने को मिलेंगे क्योंकि एग्जाम से पहले हम लोग नॉर्मली ज्यादातर मेजर एक्ट से फोकस करते हैं, माइनर को इग्नोर करते चले जाते हैं। क्लियर है? तो वो ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जब आप इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की बात करते हो तो वो आपको सेक्शन 16 बात करता है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल डिफाइंड अंडर सेक्शन। किस सेक्शन में आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन का? क्या वो 2K है, 2A है, 2J या 2M? क्या लगता है आप लोगों को पीरियड ऑफ लिमिटेशन की जब बात करते हैं हम लोग तो वो कौन सा प्रोविजन है जो बात करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की? और जब भी हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं इसके साथ आप देख लीजिएगा साथ में आपको डेफिनेशन मिलेगी प्रिस्क्राइब पीरियड की भी। दोनों की पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड की डेफिनेशन सेम देखने को मिलती है आपको और वो डेफिनेशन पार्ट है 2J, ठीक है? और टॉर्ट्स की डेफिनेशन आपको 2M में देखने को मिलेगा, टॉर्ट्स की डेफिनेशन आपको 2M में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए। एनी पर्सन अंडर पॉक्सो एक्ट हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 और सेक्शन 20 और हु फेल्स टू रिकॉर्ड सच ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 शैल बी पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू। कितनी पनिशमेंट हो सकती है? कोई जो पर्सन है वो क्या नहीं करता, वो फेल्स टू रिपोर्ट, कह रहा है कि जो कोई ऑफेंस हुआ है उसको रिपोर्ट करने से अगर आप क्या हुए असफल हुए हो तो उस केस में आपको पनिशमेंट हो सकती है। वो कितनी होगी? क्या वो 1 साल देखने को मिलेगा, 6 महीने देखने को मिलेगा आपको, 2 साल का टाइम पीरियड है या 3 साल की पनिशमेंट आपको देखने को मिलती है? क्या लगता है आपको 10th का क्या आंसर होना चाहिए? जब बात करते हैं तो उस केस में आपको 6 महीने का टर्म देखने को मिलेगा इम्प्रिजनमेंट, जो कि सजा हो सकती है। नेक्स्ट। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस इज वेयर लीव टू स्यू और अपील एज टू प्रॉपर इज अप्लाइड फॉर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। किस केस में आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लूजन? क्या वो सेक्शन 11 है, 12 है, 13 है या सेक्शन 14? क्या लगता है आप लोगों को? ऐसे में आपको सेक्शन 13 देखने को मिल जाएगा प्रोविजन, जो कि एक्सक्लूजन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाई अनादर पर्सन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। कौन सा सेक्शन बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाई अनादर पर्सन? क्या वो सेक्शन 18 है, 19, 20 या 21 देखने को मिलेगा आपको? क्या लगता है आप लोगों को? इसके साथ आप मॉक टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे। मुझे आप फॉलो करते हैं, मेरी क्लासेस आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है? वहां पे भी जहां पर रैपिड रिविजन भी चल रहा है ऑलरेडी। तो जब सेक्शन 20 की बात करते हैं, जो इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 टू हैव द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज प्लेंटिफ और एप्लेंट और द डिजीज डिफेंडेंट और रिस्पॉन्डेंट मेड अ पार्टी। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सब्स्टिट्यूट करना है, एलआरस को सब्स्टिट्यूट कराना है अपने
तो उस केस में कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखने को मिलेगा आपको? क्या लगता है आपको, 30 days, 45, 60 या 90? क्या लगता है आप लोगों को कितना टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा? जब भी हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं तो एलआरएस के सब्स्टिट्यूशन में आपको जो देखने को मिलेगा टाइम पीरियड, वो होता है 90 दिन का टाइम पीरियड। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय अ परचेजर ऑफ इमुअल प्रॉपर्टी एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अगर क्या करना है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की बात करें, किसके परचेजर है, कौन परचेजर है, जो कि इमुअल प्रॉपर्टी का परचेजर, उसने कहां से खरीदा, सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, डिक्री के एग्जीक्यूशन के टाइम उसने क्या किया, एग्जीक्यूट कराने के लिए आप सेल खरीदा है उस पर्सन ने, तो उस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको कितना देखने को मिल जाता है? क्या वो 1 साल है, 2 साल, 3 साल या 12 साल? क्या लगता है आप लोग कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, जो कि शेड्यूल प्रोवाइड करता है आर्टिकल में, वो आपको देखने को मिलेगा जो इस प्रोविजन, तो वो 1 साल का टाइम पीरियड देखने को मिलता है आपको। क्लियर इतना पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एस्टैब्लिश अंडर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एस्टैब्लिशमेंट कौन से सेक्शन में की जाती है, किस सेक्शन में प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा वो बताना आप लोगों को। क्या वो सेक्शन 4 है, 5 है, 6 है, 7 है? क्या लगता है आप लोगों को कौन सेक्शन बात करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एस्टैब्लिशमेंट की? और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एस्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो आपको सेक्शन 4 में प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट के साथ कंपीट करके अपने एम को अचीव कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, जहां पे आपको हमारी फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, आपको सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें तो डिफरेंट बैचेस आपको देखने को मिलेंगे। एक नया बैच एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी स्टार्ट हो रहा है, जो कि 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसे आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी सारे बैचेस भी आप ज्वाइन कर पाएंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आपको कोड यूज करना है आनंद सर लाइव, जिसमें आपको 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बेनिफिट्स देखेंगे आप, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देखने को मिल जाती हैं आपको, लाइव टेस्ट और क्विज़र कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, आपका कोर्सेस टाइम पे कराया जाता है, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाते हैं। कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं आनंद सर लाइव, जिसमें आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाएगा। आरंभ टेस्ट सीरीज की बात करें, जो कि हरियाणा और राजस्थान एग्जाम के लिए है, जो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको ऐप पे मिलेगी। ठीक है, 3 हरियाणा की सीरीज देखने को मिलेंगी आपको टेस्ट सीरीज, और 3 आरजेएस की डेट आप देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं डेट। टाइमिंग आपकी 6 बजे होने वाली है, जो कि अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको रैपिड रिवीजन सीरीज भी चल रही है, जो कि प्री एग्जाम के लिए हरियाणा और राजस्थान के लिए है। ठीक है, ये आपका अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट होने वाली क्लासेस जो ऑलरेडी चल रही है। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो आपको 1 महीने से लेके 24 महीने तक के प्लान आपके पास देखने को मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप 24 महीने का प्लान ऑप्ट करते हैं तो जिसका अमाउंट आपको 55,000 दिख रहा है, वो आपको 49,500 का पड़ेगा, जिसमें आपको 10% का ऑफ देखने को मिलेगा। ये कैसे मिलेगा आपको ऑफ, आप कोड यूज करेंगे आनंद सर लाइव, तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं एडुकेटर्स की। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको आनंद मिश्रा 10 के नाम से मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी आपको। पढ़िए अपने आप थोड़ा सा। क्या लग रहा है आपको, इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंस एलिस टू बी हैव कमिटेड बाय अ चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड और अबव द एज ऑफ, कितनी एज होती है हीनियस क्राइम की बात करें तो उस केस में जो बोर्ड होते हैं, ठीक है, बोर्ड सेट कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट, असेसमेंट करने की बात कर रहे हैं कि क्या वो मेंटली और फिजिकली कैपेबल हो गया था उस क्राइम को कमिट करने के लिए, नहीं हो गया था, उस केस में पूछा गया कितने साल के बच्चे होते हैं, इनका आपको प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना पड़ता है। क्या लगता है आपको बोर्ड किसका असेसमेंट करेगा, कितने साल तक के बच्चे होंगे, क्या वो 15 साल, 16 साल, 17 साल या 18 साल देखने को मिलेगा आपको? 16 का आंसर भी आपका 16 ईयर्स ही होने वाला है, तो 16 साल से कम बच्चे होते हैं ईयर्स के, तो उस केस में बोर्ड होता है वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा? क्या वो सेक्शन 25 है, 26 है, 27 है या 28? क्या लगता है आप लोगों को
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का सेक्शन आपको क्या लगता है, तो उस केस में आपको सेक्शन 27 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल री इंटीग्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, किसमें बात करता है प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन की? क्या वो सेक्शन 38 है, 39 है, 40 है या 41? प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो वो आपको जो सेक्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा 39 सेक्शन, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 में। तो वो आपको जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे वो मिलते हैं 112। टोटल 112 आपको जेजे एक्ट में सेक्शंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल, क्या होता है अगर लीगल डिसेबल पर्सन है, सेक्शन 6 की बात करते हैं जो लीगल डिसेबिलिटी को डिफाइन करता है, क्या होता है ऐसे केस में? टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो होता है वो कंटिन्यू टू रन रहेगा, रिमेन सस्पेंडेड होगा, या बी एक्सटेंडेड टू लिमिटेड पीरियड, या डिक्रीज कर दिया जाएगा ऐसे टाइम पीरियड को? क्या लगता है आप लोगों को? जब तक लीगल डिसेबिलिटी रहती है तब तक क्या होता है, टाइम आपका सस्पेंड रहता है। ठीक है, और एक बार टाइम स्टार्ट हो गया तो वो रुकेगा नहीं, और वो कौन सेक्शन कहता है कि जब वो टाइम स्टार्ट हुआ है तो रुकने वाला नहीं है? तो वो सेक्शन 9 बात करता है आपका कि एक बार टाइम स्टार्ट हो गया है तो उस केस में आपका वो टाइम रुकने वाला नहीं है, कोई फर्दर सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी भी आएगी तब भी नहीं रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन द प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की बात कर रहे हैं कि 21 साल से कम के ऑफेंडर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 21 साल से कम के ऑफेंडर की, तो वो कौन सा प्रोविजन यहाँ पे देखने को मिलेगा? क्या वो सेक्शन 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? 21 का क्या लगता है आपको आंसर? क्या लगता है आप लोग, 21 साल से कम के ऑफेंडर होंगे तो उस केस में आपको सेक्शन 6 डील करता है, ये सेक्शन 6 बात करता है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स ओनली, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है, लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या लगता है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की जब बात करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? क्या उसमें हुंडी देखने को मिलेगा, या कैश, हुंडी और चेक्स की बात करते हैं, हुंडी एंड चेक की बात करते हैं, या नन ऑफ अबव, इसमें कुछ इंक्लूड नहीं देखने को मिलेगा आपको? तो कौन सा ऑप्शन 22 क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट है? तो जब भी हम बात करते हैं ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज की तो वो आपको हुंडी और चेक्स दो चीजें इंक्लूड यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्लियर, लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें तो वो कब फोर्स में आया? क्या वो 1 अप्रैल 2005 में आया था, 11 मार्च 2006 में आया, 21 मई 2005 को आया, या 26 अक्टूबर 2006 को कमेंसमेंट पे आया? बताइए कब डीवी एक्ट की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो वो कब फोर्स में आया? क्या लगता है आपको? तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं तो वो 26 अक्टूबर 2006 को कमेंसमेंट में आया था, इन फोर्स में आया। 24 सेक्शन क्वेश्चन को देखें। अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, नो सूट शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, कितना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन? डिस्पोजिशन केस में पूछा गया है कि सूट की लिमिटेशन क्या है, तो उस केस में बताइए क्या लगता है आपको, कितने टाइम तक अगर आप सूट नहीं फाइल करते हैं तो आपका राइट खत्म हो जाएगा? ठीक है, क्या वो 6 मंथ्स है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, या 3 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? तो जब हम बात करते हैं डिस्पोजिशन की बात करते हैं सारे में, तो यहाँ पे जो प्रोविजन मिलेगा वो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है कि 6 मंथ अगर एक्सपायर हो जाते हैं तब आप नई सूट फाइल कर सकते हैं, और इसके बाद आप गवर्नमेंट वाला जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप नॉर्मली सूट फाइल नहीं कर सकते हैं इसे केसेस में। 25th क्वेश्चन की बात करें तो आर्टिकल 137 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रोवाइड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कितने पीरियड प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 137 की बात करते हैं हम लोग, क्या वो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल या 12 साल का टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा? आर्टिकल 137 की बात करें तो कोई भी जो एप्लीकेशन होती है, अगर आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया गया है कहीं भी लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा
137 एप्लीकेबल होगा और 3 साल का टाइम पीरियड आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर है इतना सबको? आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट पार्ट टू की बात करें, आरजेएस एमसीक्यूज जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।